बगिया ना शोभे राजा कोयल बिन, 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 बगिया ना शोभे राजा। बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार आदाब, प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। ये आवाज़ जो आपने अभी सुनी, इनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी हाल में मायूस नहीं हो सकती, मैं किसी हाल में मायूस नहीं हो सकती, ज़ुल्मते लाख हूँ मगर उम्मीद सहर रखती हूँ। ऐसी ही उम्मीदों से भरी है जिनकी ज़िंदगी, जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को बड़ी ही जिंदा दिली से जिया और लोकगीतों से लेकर गज़ल, भजन और बॉलीवुड तक में अपने काम से लोगों का मन मोह लिया, जिन्हें कई उपनामों से संबोधित किया जाता है। मैं बताऊं आपको, इन्हें कहा जाता है बिहार की स्वर कोकिला, बिहार की लता मंगेशकर, मिथिला की बेगम अख्तर, बिहार की सांस्कृतिक पहरी, जैसे कई अनगिनत नाम इनके चाहने वाले करोड़ों में हैं। शख्सियत में आज हमारी मेहमान है लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा जी। हर दिल के अरे बड़ा रे बेदर्दी। लोक गीतों की मिठास में छलका ठेठ रिवायती रंग। सखी फूल लोढ़ है, सखी फूल लोढ़ है, चलो फूल बरिया सीता के संग सहेलिया। छठ की रौनक, केलवा के पात पर उगे सूरज मल जाके झूके, ते करेलू छठ बरतिया से जाके। और बॉलीवुड में भी छाया जिनका जादू। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरे सजनिया पग पगली है जाऊं। शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के हुलास गांव में हुआ था। बचपन से ही गीत संगीत का सफर शुरू हो गया। संगीत के इस सफर में उनका दिल रमा नृत्य में भी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया लोक गायकी को। से पलटनिया बनी आई हा पिया ले ले आई हा हो पिया सिंदूर बंगाल के ले ले आई हा हो पिया सिंदूर बंगाल के पनिया के जहां। गीत संगीत के इस यादगार सफर में उनको साथ मिला जानी मानी हस्तियों का भी। और इस सफर में उनके हम सफर श्री ब्रज किशोर सिन्हा ने उनका भरपूर साथ दिया। उनकी गायकी में पारंपरिक गीतों का खजाना है जो उन्हें और कलाकारों से अलग कर जाता है। छठ का त्योहार उनके गीतों के बगैर अधूरा है। देश विदेश में उनकी गायकी के प्रशंसक बेशुमार है। घर में बार है। लोक गीतों में उनकी आवाज के खास रंग को बॉलीवुड ने भी अपनी दुनिया में समेटा। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। तार बिजली से
तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया। चुनाव के दौरान ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनकी छवि को बड़े ही सलीके से लोगों के समक्ष रखा गया। आप अपना वोट जरूर डालिएगा क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। बेशुमार अवार्ड्स, उनकी काबिलियत और कामयाबी की कहानी आप बयान कर जाती है। बिक गए हम हो बाबूजी। बहुत बहुत स्वागत शारदा जी प्रोग्राम शख्सियत बहुत, में आपका बहुत धन्यवाद जमीना। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज अपने बीच में देखकर। जय किस्मत, यही तो हम कलाकारों की यही तो बात है जिससे कलाकार का दिल खुश हो जाता है। कैसे शौक हुआ बचपन से आपने संगीत की जो तालीम ली, क्यों गीत ही क्यों संगीत ही क्यों? बचपन में दरअसल मेरे पिताजी कहते हैं, मैं तो उस वक्त बहुत छोटी रही होंगी, तो मेरे पिताजी बराबर कहा करते थे, माँ कहती थी कि मैं कविताओं को भी जो है वो एक्शन में गाने लगती थी। अच्छा। हाँ, और उसको कुछ गुनगुना के कहती थी। हमारे इस रुझान को देखते हुए हमारे लिए एक संगीत के लिए शिक्षक रखा गया कि वो कुछ तो सिखाएंगे इसको, कुछ तो इसकी आवाज़ बनेगी या कुछ, जबकि मेरे घर में संगीत ऐसा नहीं था कि घर में कोई परंपरा थी संगीत की। वही मैं जानना चाह रही थी कि माता पिता ने कैसे लिया जब उन्हें लगा कि ये लड़की तो भाई बहुत अच्छा गाती है और अब इसे आगे ही बढ़ना चाहिए। हाँ, तो माता पिता दरअसल आपके करते क्या थे? एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर थे, और ऐसे तो वो अगर कहा जाए तो एक शिक्षक से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, शुरू किया था, और संस्कृत और अंग्रेजी दोनों के विद्वान थे, और उनका ये सोचना था बहुत ही कहा जाए बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति। अच्छा। तो माँ? और माँ जो है वो हाउसवाइफ थी, लेकिन उस जमाने में भी एक जमाने में बक्सर मिडिल स्कूल की वो प्रिंसिपल थी। किन खास गुरुओं का आप जिक्र करेंगे? जब छोटी थी, जब मैंने कहा कि मेरे फादर ने कोशिश किया कि एक स्कूल टीचर को बुला के सिखवाने का कि कुछ तो भजन वजन सिखाएंगे, तो उस समय मैंने पंडित रामचंद्र झा थे जो स्कूल में टीचर थे उनसे हमने सीखा। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, 8th class 9th class में जब मैं आई, तो पंडित रघु झा जी उन्होंने क्लासिकल ट्रेनिंग दी। अच्छा। मुझे, और उसके बाद उसकी संगीत की उच्च स्तरीय शिक्षा जो होती है जो वो पंडित सीताराम हरी डांडेकर जी उनसे हमने लिया। और इसके बाद चूँकि मुझे दादरा ठुमरी बहुत पसंद था तो वो श्रीमती पन्ना देवी जी से मैंने वो सीखा। वो बहुत दिनों तक रह नहीं सकी वहाँ बिहार में, वो बाहर चली गई, वहीं बस गई जाके, तो लेकिन कुछ दिनों तक मैंने लगभग 8 महीने साल भर सीखा, उनसे सीखा। फिर आपका जो कहते हैं ना परफॉर्मेंसेस का जो सिलसिला होता है वो कब शुरू होता है स्टेज के साथ साथ? मैं वो किस्सा ज़रूर सुनना चाहूँगी, मेरी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी, जो आपकी HMV रिकॉर्डिंग वाला किस्सा था। HMV ने एक टैलेंट सर्च निकाला था, तो अखबारों में इश्तहार आया था, सब दौड़ गए, कमी जनसंख्या की और टैलेंट्स की कभी नहीं रही है, लोग दौड़ते रहे। मैं भी सोची कि मैं भी इसमें इस क्यू में लगूं कि कैसे मेरा हो जाए उसमें। पता चला कि लखनऊ में ऑडिशन हो रहा है HMV का। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तो बाहर बॉम्बे में, इसका स्टूडियो तो बॉम्बे में होता था, लखनऊ में, तो पता चला कि ये चलता फिरता स्टूडियो है जो कि आ करके और नॉर्थ इंडिया में जो है सारे आर्टिस्टों को वहीं पे इकट्ठा करके उनका ऑडिशन लेने। अच्छा। तो हम लोग लखनऊ पहुँचे, और लखनऊ पहुँचे तो जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन ऑडिशन था। हम ट्रेन से उतर के सीधे वहाँ पे लखनऊ में विधानसभा मार्ग में बर्लिंगटन होटल था उन दिनों, बहुत बड़ा, उसके 11 नंबर कमरे में HMV ने अपना स्टूडियो लगाया था। बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनका ऑडिशन चल रहा था। हम लोग गए उस दिन, बिल्कुल तैयार वार भी नहीं हुए, सीधे स्टेशन से आके सीधे, क्योंकि टाइम था उसमें, तो वहाँ गए और खड़े रहे कि अब हमारा होगा। मेरा हुआ, जब मेरा माइक पे आए हम तो गाया, जैसे सब डिस्क्वालीफाई सबको कर रहे थे, भीड़ थी वहाँ पे, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मुझे लगा कि बहुत दुख हुआ, बहुत चोट पहुँची मुझे। फिर रात में हम लोग सोए, विचार किए, इन्होंने कहा कि सुनो
एक बार हम चलते हैं, हम लोग चलो फिर एक बार हम लोग कोशिश करते हैं। उस दिन जो जैसे हम पहुंचे थे जिस दिन, उस दिन ऑडिशन दूसरे लोग ले रहे थे। जब हम पहुंचे दूसरे दिन तो मेरा ऑडिशन जब कन्विंस हो गया, मुरली मनोहर स्वरूप थे वहां पे जिनको इन्होंने कहा कि एक मौका और दीजिए, हम लोग ऐसे ऐसे आए ये, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ और कोशिश करूँगा कि एक मौका मिल जाए। तो एक मौका मिल गया और वो ईश्वर की कृपा, और वो मौका मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर जो हो, मेरी खुश किस्मती क्या है वो आप जरूर सुने कि जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया सेकंड डे, उस दिन वो ऑडिशन बूथ पर जो है बेगम अख्तर जी बैठी थी और उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी पीठ थपथपा के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बोला कि बेटा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम रियाज करोगी तो आगे जाओगी। हो गया, उसके बाद मैं पास हो गई। पान खिलाया उन्होंने आपको? नहीं, पान कैसे खिलाती, बहुत बुजुर्ग थी, बहुत बड़ी थी, पर ये जहे किस्मत वो उनकी, ये मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपको सराहा और आपको आशीर्वाद दिया। जी, आपकी जिंदगी में फिर आगे जैसे आपने बताया एक बहुत अहम रोल रहा आपके पति का भी। जी बिल्कुल, जो आपके हम कदम रहे। कितना ज़रूरी होता है कि ऐसे मौक़ों पर पति पूरा सपोर्ट करे? बहुत ज़रूरी होता है, अगर पति सपोर्ट नहीं करेगा। आज हमारा जो, अब तो काफ़ी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, पर जिस वक्त में हमने शुरू किया था या हमसे भी पहले अगर किसी ने किया होगा तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी उन दिनों। शारदा जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफ़र को, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें। ज़रूर, आइए ज़रूर, ज़रूर। शारदा जी नमस्कार, उम्मीद है मुझे आप भूली नहीं होंगी। हमारी 1980 से आज तक की जो जान पहचान रही है उसमें बहुत याद आती हैं, और वो दिन मुझे याद आता है जब मैं टी सीरीज में स्टार्ट किया था 84 के अंदर, तो गुलशन जी को जब पता चला कि आपकी मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करके कहा कि चावला जी अगर आप ये कर देंगे तो बहुत अच्छा है, मैं इनकी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ टी सीरीज के अंदर। फिर आपको मैंने संपर्क किया, आपने मेरी बात सुनी और मुझे इज्जत भी दी। उस हिसाब से मैंने 4 साल में आपकी काफ़ी रिकॉर्डिंग्स की ओखला स्टूडियो के अंदर जो भूली नहीं जा सकती। उसके बाद मैंने 99 से लेकर 2010 तक रिकॉर्डिंग आपकी की हैं। उनकी अपने गायकी में जो अपनापन है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो फीलिंग है, वो हर आर्टिस्ट में नहीं मिलती। मेरा ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत याद आती है मुझे तो सच्ची। तो रोना आगे। हैट्स ऑफ टू हर, भगवान उसकी लंबी उम्र करे। प्रणाम माँ, माँ के रूप में आप हमें, ईश्वर का हमारे वरदान है आप, और गुरु के रूप में भगवान ने जो हमें दिया है वो आपके माध्यम से हमें संगीत भी सीखने को मिला। आपने कैसे हमें सिखाया इतने बड़े होके भी कि आज के इस संगीत के इस दौर में, खास करके लोक संगीत में, जब इतने तरह की गायकी हो रही है, लोग गा रहे हैं, स्टेज की गरिमा कई बार बहुत मेंटेन नहीं रह पाती, उसमें भी आपने हमें उस ओर मुड़ने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं किया। आपने अच्छी बातें सिखाई, उसका हमें बहुत गर्व है, और कि हम आज भी गाना उसी तरह से आपके जैसे ही गाना चाहते हैं, वही बचपन वाली बात, लेकिन ताल में गलती नहीं करूंगी, अब मैं बड़ी हो चुकी। आप सदाबहार ऐसे ही बनी रहें, मुस्कुराती रहें, और हमें वो लोक संगीत की दुनिया में बस ऐसे ही रंगीन सुंदर गाने सुनने को मिलते रहें, और आप पान भी खाती रहे, सुंदर लगती रहे हमेशा। क्या बात है, ब्यूटीफुल, आंख में से आपकी भर आई है। चावला जी ने जो कहा वो तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया मानती है। चावला जी नहीं होते तो मुझे लगता है मैं टी सीरीज की रिकॉर्डिंग मेरी नहीं होती। उन्होंने कहा और बहुत रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, क्योंकि मैंने उन्हें HMV से देखा था, HMV में भी उन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया था, तो एक विश्वास कायम था कि चावला जी हैं तो अच्छा ही होगा। बहुत अच्छे थे रिकॉर्डिस्ट, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतना परफेक्शन के साथ में अपना काम करते हैं। कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया चावला साहब ने, ये चीज़ बहुत उनमें उम्दी थी जो मुझे बहुत पसंद थी। शारदा जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कोई दिशा दे जाते हैं, ऐसे कुछ लोगों का जिक्र आप करना चाहेंगे? ज़रूर 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 करना चाहूँगी। मुझे याद है कि शायद 1984 रहा होगा, और बहुत बड़ा नाम ताराचंद बरजातिया जी, मैं गई हुई थी
भोजपुरी फिल्म की रिकॉर्डिंग थी मेरी माई में, बॉम्बे लैब में चल रही थी रिकॉर्डिंग, और मेरा एक HMV का कैसेट था उन दिनों जो HMV ने किया था, अ ट्रिब्यूट टू मैथिल कोकिल विद्यापति। अच्छा जी। तो वो ताराचंद बजातिया जी सुना करते थे, ये बहुत ही क्लास चीज़ थी, वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी, विद्यापति की रचनाएं थी, और उसको वो उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसमें ठुमरी दादरा के अंदाज की गायकी भी थी, उसमें उस्ताद निज़ामुद्दीन खान साहब का तबला भी था, बहुत ही अच्छा जी। तो वो HMV की रिकॉर्डिंग थी, वो उन्होंने बहुत सुना था। तो उनकी एक चिट्ठी आई थी मेरे पास में कि आपका श्रद्धांजलि सुनते सुनते घिस गया है मेरे पास और वो नहीं मिल रहा है, कृपया यदि आपके पास हो तो आप मुझे भिजवाने का कष्ट करें। एक तो ऐसा था, दूसरा जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, उसी समय की ये बात है, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी बॉम्बे लैब में, तो उन लोगों को पता चला कि मैं आई हूँ, पास में ही भावना बिल्डिंग है उनकी, वो जहाँ पे राजश्री का ऑफिस है और वहीं पे प्रभा देवी में बॉम्बे में, तो उन्होंने खबर भिजवाई कि आप यहाँ हैं, मालूम है आप यहाँ के बाद आपको वहाँ बुलाहट है, आपको वहाँ मिलने बुलाया उन्होंने। तो मैं गई उनसे मिली जाके, तो उनका ये ऑफ़र इस तरह से प्यार भरा हुआ ऑफ़र कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हमें लगती है हम चाहते हैं कि हमारे फिल्म में आपका एक गाना हो। ना सवाल ही नहीं उठता, तो मैंने कहा कि ठीक है बिल्कुल गाएंगे, इसमें हम भी सुनेंगे। मुखड़ा उसका कि कहे तो से सजना, इसमें फिल्मी अंदाज लग गया। हाँ हाँ हाँ। कहे तो से सजना ये तोरी सजनिया, अग पगली है जाऊं तोहरे पलैया मैं, अग पगली है जाऊं तोहरे पलैया। बहुत खूबसूरत। आपके कुछ और अपने हैं शारदा जी, जी। जिन्होंने आपके आज तक के सफर को देखा, आइए उन्हें देखते हैं। शारदा सिन्हा जी एक लिविंग लीजेंड हैं, उनके गीत उनके ही सामने सुनिए तो भी लगता है कि किसी ने बिहार की संस्कृति को भारत के एक उत्तर और पूर्व की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। आपने एक ऐसी आवाज़ दी जिसको सुनते ही लगता है कि सोहर होने लगा, कहीं बच्चा पैदा हो रहा है, जिसको सुनते ही लगता है कि छठ की पूजा होने लग रही है, जिसको सुनते ही लगता है कि बिहार का लोक संगीत होने लग रहा है। मैं अपने दिल से रोम रोम से शुभकामना देता हूं कि शारदा दीदी आगे भी अपने स्वरों से ऐसे ही सेवा करती रहें हमारे देश की। प्रणाम माँ, हर जीवन में तुम ही मेरी माँ बनो, यही चाहता हूं। इतना सारा प्यार, इतना सारा दुलार कभी और नहीं, कहीं और से नहीं मिल सकता। मेरी तरफ से आपके लिए एक चीज़, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता पावन दाई माई, ओ माई। बच्चों का भी अंशुमान आपका बड़ा लायक बेटा है ये तो जी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत प्यार करते हैं बच्चे और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग माँ बेटा बेटी और पति ने सारे के सारे वाकई अगर कहा जाए तो दोस्त हैं। आपने देखा जाए तो अपना पूरा जीवन लोकगीतों को समर्पित कर दिया जी। आज के दौर में लोकगीतों को लेकर आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या बताऊँ समीना जी, चिंता तो है। लोकगीत इतनी स्वच्छंद सुंदर चीज़ है और वो पारंपरिक जमीन से जुड़ी हुई जमीनी चीज़, और उसको जिसको कि परिष्कृत बहुत करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको आजकल की कुछ गायकी के वजह से लोकगीतों के प्रस्तुति और उसके प्रदर्शन जो विजुअलाइज किया जाता है आजकल विशेषकर, उन चीज़ों से मुझे तकलीफ़ होती है, इसलिए कि
हमारी जो परंपरा है उसमें कमी नहीं है, बहुत कुछ है, उसको ज़रूरत है आगे लाने की और उसके उसके उसमें कुछ मॉडर्न टच दें हम, लेकिन उसकी जो टिपिकलिटी है उसको बरकरार रखें, ये मेरी ख्वाहिश रहती है। और जो फूहड़पन वगैरह चल पड़ा जी है। जी वो देखिए वो सब थोड़ी देर के लिए भले ही वो अच्छा लग जाए, पर ऐसा नहीं है कि लोक संगीत में फूहड़पन भर देने से वो अच्छा लगेगा, वो टिक नहीं सकता है, टिकाऊ नहीं हो सकता है। इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ है, इतने अच्छे टैलेंट्स हैं, उसकी कमी नहीं है, बहुत ही सुंदर आवाज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन उनको दिशा की कमी है। आपने लोकगीतों को तो यूँ अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन और विधाएं जो आपको आती थीं, चाहे वो गज़ल हो, भजन हो, ठुमरी हो, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, दिल सालता नहीं है इस सब चीज़ों को? सालता तो है, सालता है, मन में कभी कभी ये कसक होती है कि गज़ल मुझे बहुत पसंद थी, मैं गाया करती थी। सुनाएंगी दो लाइनें गज़ल की? ज़रूर कोशिश करूँगी, बहुत सारी गज़लें हमने गाई हैं। तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त बेदिल को दुखाने क्या बात है, आए। बहुत लंबी है गजल। वो जो बंगाल के जो सिंदूर का आप बहुत बेहतरीन गाती हैं, वो हमारी ऑडियंस को भी सुनाइए और मेरा पैनल जो इस समय आपको रिकॉर्ड कर रहा है वो भी सुनना चाहता है। जरूर जरूर, वो तो वो गीत तो ऐसा है कि मैं जब विदेशों में गई जी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वहाँ भी इन इस गीत के लिए तो वहाँ भी फरमाइश आई। क्या बात है। जो हमारे बिहार भारत के जो लोग वहाँ थे उन लोगों ने भी हाँ फरमाइश की। मैंने बड़े प्रेम से मैंने इस गीत को गाया। दरअसल मैं इस गीत के बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो गीत है ये गिरमिटिया एक्ट के तहत जो जो मजदूरों को जब ले जाया जाता था मॉरिशस, सुरिनाम और बाहर उनको, तो उस समय का ये गीत है, बहुत ही पुराना, जिसमें उनकी पत्नियां और प्रियाएं जो थी वो कहती थी कि तुम जब जाना, उनको ये नहीं पता था कि वो किधर से लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, पर उनकी आकांक्षाएं थीं कि तुम बंगाल से आना तो सिंदूर लेके आना, वहाँ से जाना तो ये लेके आना। और वो गाना बहुत ही लोगों के जहन में रहा और आज तक वो बच्चे बच्चे को याद है। क्या बात है। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आया पिया, ले ले आइहा हो, ले ले आइहा हो, ले ले आइहा हो, पिया सिंदूर बंगाल से हो, ले ले आइहा हो, पिया सिंदूर बंगाल से, सिंदूर बंगाल से हो, सिंदूर सिंदूर बंगाल से हो, ले ले आइहा हो, पिया सिंदूर बंगाल के हो, ले ले आइहा हो, पिया सिंदूर बंगाल के। ब्यूटीफुल। तो शारदा जी चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत है, फिल्मी गीत मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी जो आपको बेहद पसंद है। जी जरूर सुनाऊंगी। अभी अभी हमने गाया था गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में, और वो भी एक फोक के आधार पर ही है। अच्छा। वो गीत पर बहुत ही अच्छा है और वो विवाह के अवसर पर वो गीत गाया गया फिल्मों में भी। हाँ। इसलिए मैं उसको सुनाती हूँ आपको। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ओरी सासू
बता तूने ये क्या किया, और सासु बता तूने ये क्या किया। सूख के हो गए हैं चुहारे पिया, सूख के हो गए हैं चुहारे पिया, बेचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं है हरे पिया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया। और सासु बता तूने ये क्या किया, और सासु बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से। तो शारदा जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाई, आपका बेपनाह शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही खूबसूरत सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।